कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को फिर से दहशत में ला दिया है। इस बीच एक विवाद इस वेरिएंट के नाम को लेकर भी हो गया है। कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डर से कोरोना के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना के सबसे नए वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, इसका नाम नियमों के तहत कुछ और रखा जाना था, लेकिन चीन के दबाव में WHO झुक गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोरोना वेरिएंट के नए नाम से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का क्या कनेक्शन है और पहले ओमिक्रॉन को क्या नाम दिया जाना था। दरअसल आधिकारिक तौर पर बीमारियों का नाम WHO रखता है। नाम रखते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि ये किसी खास जगह, जानवर या आदमी से संबंधित ना हो, साथ ही नाम आसान भी हो और बीमारी से जुड़ा भी हो। आपको बता दें कि शुरुआत में जिस भी देश में कोरोना वायरस का कोई भी नया वेरिएंट पाया जाता था, आम बोलचाल में मीडिया में उस वेरिएंट को उसी देश के नाम से जोड़कर पुकारा जाने लगा। लेकिन इस बार भारत समेत अन्य देशों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद WHO ने COVID-19 के वेरिएंट के नामकरण के लिए एक नए सिस्टम का ऐलान किया। इस नियम के तहत WHO भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दूसरे देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम रखने के लिए ग्रीक भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल करने लगा। WHO ने कहा कि यह फैसला किसी देश के साथ वेरिएंट के नाम को न जोड़ा जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया। धीरे धीरे कोरोना के नए वेरिएंट आते गए और WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता गया। अब तक WHO वायरस के अलग अलग वेरिएंट को सरल भाषा में बताने के लिए वर्णमाला के क्रम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि का पालन कर रहा था। लेकिन जब इस नए वेरिएंट के नामकरण की बारी आई तो ग्रीक वर्णमाला के 15वें अक्षर ओमिक्रॉन को चुना गया, जबकि ग्रीक वर्णमाला के 13वें अक्षर न्यू और 14वें अक्षर जाय को छोड़ दिया गया है। और अब इसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल जब हम ग्रीक वर्णमाला का 14वां अक्षर जाय और चीनी राष्ट्रपति के नाम का पहला अक्षर शी लिखते हैं तो वो समान दिखता है, और ऐसे में ये संभावना है कि लोग जाय को भी शी वायरस पढ़ सकते हैं, और शायद इसीलिए WHO ने 14वें अक्षर जाय को छोड़ दिया गया ताकि शी जिनपिंग की बदनामी ना हो जाए। वहीं वायरस को 13वां अक्षर न्यू नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि लोग इसे न्यू समझ सकते हैं और ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता था। आपको बता दें कि महामारी की शुरुआत से WHO पर आरोप लगते रहे हैं कि वो चीन के दबाव में काम कर रहा है, लेकिन अब नए वेरिएंट के नामकरण में ग्रीक वर्णमाला के 2 लेटर्स को छोड़ने से एक बार फिर WHO पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक WHO के एक सूत्र ने इसकी पुष्टि भी की है कि WHO ने दोनों अक्षरों को जानबूझकर छोड़ा है। वहीं हार्वर्ड मेडिकल स्टूडेंट में मेडिसिन के प्रोफेसर मार्टिन कुलडॉप ने इसके लिए संभावित वजह बताई है। उन्होंने कहा कि WHO ने 2 अक्षरों को इसलिए छोड़ा और नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन इसलिए रखा ताकि कोरोना वेरिएंट को शी वेरिएंट ना कहना पड़े। जी हाँ, क्योंकि शी तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम का पहला अक्षर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम से समानता होने के कारण शी लेटर को छोड़ने पर सोशल मीडिया पर यह बात ट्रेंड करने लगी कि वायरस का नाम रखने तक के लिए WHO चीन से डर गया। दुनिया भर में आलोचना होती देख WHO प्रवक्ता ने सफाई दी है कि शी को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये आम उपनाम है। बता दें कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है इसको अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन शुरुआती सबूत बताते हैं कि ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। हालांकि ये पता लगाए जाने की कोशिश होने लगी है कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कितनी प्रभावी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.